विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही विभिन्न संगठन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में राजधानी जयपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि सीएचओ ने अपनी अलग अलग मांगों को लेकर स्वास्थ्य भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया। सीएचओ की मांग है कि उनको नियमित किया जाए और वेतनमान में चल रही विसंगतियों को दूर किया जाए, उनके ग्रेड पे को बढ़ाकर 4,800 किया जाए और हरियाणा राज्य की तर्ज पर नियमित किया जाए। धरने में पूरे राज्य से हजारों की संख्या में सीएचओ जयपुर पहुंचे। धरना प्रदर्शन बेरोजगार नेता भरत बेनीवाल के नेतृत्व में किया जा रहा है। नमस्कार, नवतेज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकुर शर्मा। राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर आज सीएचओ यानी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आज अपनी अलग अलग मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं स्वास्थ्य भवन जयपुर के अंदर। इसी सिलसिले में हमारे साथ में इस आंदोलन के नेतृत्व कर रहे भरत बेनीवाल हमारे साथ में मौजूद हैं। बेनीवाल जी, जी देखिए, हमारी मुख्य मांग तो यह है कि भाई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग इन्होंने नियमित करने की बात करी, लेकिन उसमें नियमित करने का जो है यूँ कह रहे हैं 60 साल तक इनको अब कोई नहीं हटा सकता, जबकि 5 साल बाद अनुबंध दिखा रखा है कि 5 साल तक अनुबंध है, उसके बाद टर्मिनेशन हो जाएगा। एक तो ये लाइन इनकी संशोधित होनी चाहिए थी, दूसरी उसको नहीं गिना ढंग से 2028 दिखा रखा है कि 2028 में इनके 5 साल पूरे होंगे, जबकि 2027 में इनके 5 साल पूरे होंगे, उसका इंक्रीमेंट और अनुभव कति बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेस जैसे ही लेस कर रहे हैं ये लोग, तो ऐसे में युवा बहुत परेशान है और नियमितीकरण चाहता है, साथ में दो इंसेंटिव में बहुत ज़्यादा इंसेंटिव के अंदर जो इश्यूज आ रहे हैं, तो इंसेंटिव के अंदर जो मर्ज किया जाए 25,000 प्लस 15,000 इंसेंटिव, तो वो मर्ज कर दिया जाए जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सके, क्योंकि इंसेंटिव जो है एक भ्रष्टाचार का मुद्दा बन गया है। वहाँ पे कमीशन खोरी चलती है, 15,000 जो इंसेंटिव है उसमें कमीशन खोरी चलती है, उससे एक हर सीएचओ को मानसिक और जो ड्यूटी के रूप में प्रताड़ित किया जाता है, इधर उधर ड्यूटियाँ लगाई जाती है जिससे वो इंडिकेटर्स पूरे नहीं किए जाए जा पा रहे। फिर साथ में 8 महीने बाद गाइडलाइन जारी हुई जो इंसेंटिव के और इंडिकेटर्स के हिसाब से, तो इंडिकेटर्स वो 8 महीने बाद जब इंडक्शन ट्रेनिंग कराई गई तो 8 महीने का जो इधर उधर ड्यूटियाँ लगाई गई तो उनको पूरा का पूरा जो है वो मिलना चाहिए था, जो 8 महीने का इंसेंटिव था वो भी पूरा नहीं दिया गया, वो पूरा मिलना चाहिए सभी जिलों में। साथ में जो है इनके जो कैडर का निर्माण करके 4800 ग्रेड पे के हिसाब से इनको रखा जाए जैसे अन्य राज्यों में और भारत सरकार ने रख रखा है। साथ ही जो ड्यूटियां पीएचसी सीएचसी पे लगाई गई थी कई लोगों की, उनके इंसेंटिव रुक गए, उनके पेमेंट रुके पड़े हैं, ऐसे में सरकार उनके लिए साथ में जो गृह जिले में ट्रांसफर इनका हो, ये मांग मुख्य रूप से, क्योंकि एसडब्ल्यूसी खाली पड़े हैं, सेंटर्स खाली पड़े हैं, ऐसे में अगर सेंटर आपके पास खाली तो क्यों नहीं आप ट्रांसफर कर रहे हो, जब पीएच और विडो तक इतनी परेशान है, आपने फिजिकली हैंडीकैप्ड को अलग अलग जिलों में फेंक दिया, ये बड़ा दुर्भाग्य है। जबकि पीएच के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं बहुत संवेदनशील हूं फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, विकलांगों के लिए, तो ऐसे में दिव्यांगों को आपने बाहर फेंक दिया, विडो को आपने इधर उधर फेंक दिया, तो वो उनको भी गृह जिला मिलना चाहिए था। ऐसे में बहुत सारी मांगे हैं, साथ ही जो लगातार जो जूनियर्स आ रहे हैं उनके लिए भी हमने मांग रखी थी कि हाँ ठीक है, जी हरियाणा राज्य है उसमें भी परमानेंट कर दिया गया है उसी की तर्ज पे, हालांकि उसकी तर्ज पे इसमें कुछ हद तक किया गया है, जम्मू कश्मीर उड़ीसा सभी जगह पे परमानेंट कर रहे हैं, तो राजस्थान में भी उस तरीके से परमानेंट किया जाए। और केंद्र सरकार ने साफ पहले की गाइडलाइन में पूरी में डाल रखा है कि 6 साल बाद 4800 ग्रेड पे इनको परमानेंट करेंगे, जबकि एक छोटा सा लेटर था उसमें नर्सिंग ऑफिसर का जो रोली सिंह मैडम का केंद्र सरकार का, उसके आधार पर इन्होंने नर्सिंग ऑफिसर का इक्विवेलेंट इसमें रख दिया और 18,900 प्लस अतिरिक्त पारिश्रमिक लिख दिया इसके अंदर, जबकि कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल के अकॉर्डिंग भी अगर लेते हैं तो भी इनकी कम से कम 25,000 से मतलब 28,000 के कैडर में तो कम से कम रखना चाहिए था और 22,100 से ऊपर का कैडर तो इनका बनता ही बनता है, तो 18,900 के हिसाब से आपने उसमें रख दी तनख्वाह, जबकि नर्सिंग ऑफिसर्स को मिल रही है 18,900, तो उसके लिए भी हमने आंदोलन किए थे, उनको 18,900 उनकी बढ़वाई तो इनकी उल्टा घटा दी, तो इधर का लेके उसमें दे दिया, उधर का लेके इसमें दे दिया, ये 6,100 रुपए जो भत्ता दे रही है वो अतिरिक्त पारिश्रमिक दे रही है, अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं, हमें जुड़ा हुआ 40,000 पूरा चाहिए, इंसेंटिव भी आप अतिरिक्त पारिश्रमिक दे रहे हो तो 15,000 को भी अतिरिक्त पारिश्रमिक कर दीजिए, इंसेंटिव क्यों कर रहे हो आप, उसको भी अतिरिक्त पारिश्रमिक कर दीजिए, और जो आप एनपीएस के हिसाब से कट रहा है, टीडीएस के हिसाब से कट रहा है, अभी तक ये स्थिति भी इन लोगों ने आपके साथ हमारे सामने क्लियर नहीं की है कि पैसा किस हिसाब से कटेगा, इंक्रीमेंट किस हिसाब से लगेगा, इसका भी कोई क्लियरिटी नहीं है। आप नए नए कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल के अकॉर्डिंग जो ज्वाइनिंग करवा रहे हैं तो वो ज्वाइनिंग तुरंत प्रभाव से सरकार एक बार के लिए रोके, पहले इन नियमों में संशोधन करे कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल में, उसके बाद ही आगे कदम बढ़ाए और परमानेंट की प्रक्रिया अपनाए। आंदोलन की रणनीति हम यहीं बैठे हैं, अगर हमारा पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकलता है और कोई हमें लिखित में मजबूती से आश्वासन नहीं मिलता है तब तक हम यहीं बैठे हैं और हम यहां से अपना हक लेकर जाएंगे। जी नहीं, अभी हम सीएमओ में
कुलदीप रांका जी और आरती डोगरा जी से वार्ता की बात कर रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा मैडम से बात चल रही है। जब तक उनसे मजबूती से हमारी बात नहीं हो जाएगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और मजबूती से बात नहीं, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, जो जायज़ मांगे हैं जिनके लिए, तो आप कुछ तो ऐसी मांगे जिनका हम ये मान लेंगे भाई, दो तीन चीज़ों के लिए कम से कम इसमें आदेश जारी कीजिए आप, जब जाके हम मानेंगे कि हम ठीक है, हमारी मांगों को सीरियस ले रही है सरकार और जल्दी पूरा करेगी। और वैसे भी सीएचओ हमारा ऐसा है कि पूरे राजस्थान का सीएचओ एकजुट है, पूरे राजस्थान सरकार के खिलाफ हम लोग डंके से डंका बजा देंगे। आने वाले चुनाव में सरकार को इतने बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा, वो भी मामला उठा ही रहे हैं लगातार, और वो भी हमारे छोटे बहन भाई हैं, उनके साथ भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और पेपर लीक जो हुआ है वो गलत हुआ है और उसके लिए केंद्र सरकार ने भी इनको गाइड किया कि तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कीजिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करके क्रिमिनल्स को अब तक नहीं पकड़ा गया है। साथ में जब 6000 से ऊपर लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुपों में पेपर पहुंच गया तो आपको शर्म आनी चाहिए। अब तक सरकार इसको लिए बैठी है, कह रही है सरकार निर्णय करेगी, सरकार निर्णय करेगी ना। दिनेश बोर्ड ने उसको लीक मान लिया, दिनेश बोर्ड ने लीक मान लिया, एसओजी ने लीक मान लिया, 89 क्वेश्चन बाहर आ गए, 6000 लोगों के पास क्वेश्चन पहुंच गए, उससे ज्यादा अब आपको और क्या चाहिए? साफ पता लग गया, पेपर लिए रद्द करके दोबारा से परीक्षा करवाइए, नहीं तो ये लोग जो फर्जीवाड़े से घुसेंगे ये लोगों की हत्या करेंगे। ये मान लीजिए लोगों को बचाने का काम नहीं करेंगे, इनको कुछ आता ही नहीं है ऐसे लोगों को, तो वो लोग आने वाले वक्त में जो पेपर लीक से घुसेंगे, मैं ये नहीं कहता कि जो पेपर में सिलेक्शन होगा वो सारे के सारे पेपर लीक वाले होंगे, हो सकता है उसमें से इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं जिनका नंबर आएगा, वो जरूर ऐसी गड़बड़ नहीं करेंगे, लेकिन जो फर्जीवाड़े से घुसेंगे वो मारेंगे लोगों को। थोड़ा समय पहले नवतेश टीवी ने आपसे बात करी थी, आपने बताया था कि फर्जी डिग्री लेके लोग दूसरे राज्यों से लेके यहाँ पे नौकरी लग रहे हैं, वो मुद्दा भी आज उठा रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल वो लिखित परीक्षा से भर्तियां जो करवाने का मुद्दा था कि लिखित परीक्षा से करवाए और बोनस अंक दे, हमारे सारे सीएचओज हैं इनको बोनस अंक दे सरकार, स्पेशल तौर पे सामने रखे पूरा का पूरा मामला, तो वो मुद्दा हम लगातार उठा ही रहे थे और कई बार उठाया इन दिनों में। तो ऐसे में लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां होंगी तो फर्जी डिग्रियां वाले लोगों पर रोक लगेगी, और जो आप परसेंटेज बना रहे हो डीम्ड यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्रियां ले आते हैं, तो ऐसे में जो है सरकारें इनको सोचना पड़ेगा, जो पारदर्शी वो भी जो फर्जीवाड़े से घुसेंगे फर्जी डिग्रियां लागे वो भी हत्या ही करेंगे, तो जनता की तो सोच ही नहीं रहे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैं जनता के प्रति संवेदनशील हूँ, तो आप ऐसे लोगों को नौकरी क्यों लगा रहे हैं फर्जीवाड़े से जो घुस के आएंगे? मेरिट बेस पर तो फर्जीवाड़ा ही होता है, लिखित परीक्षा से जिसमें योग्यता होगी पारदर्शिता रहेगी भर्तियों में और ऑटोमेटिक आप ऐसे लोगों को लीजिए ना, सेलेक्ट कीजिए, जिसमें दम होगा वो आगे आ जाएगा। जी हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हमारी आगे की रणनीति अभी तय करेगा हमारा पूरा प्रतिनिधि मंडल और सभी जितने भी जिलों से आए हुए साथी लोग हैं, हमारा एक एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और यहाँ पे मौजूद सभी साथी यहाँ पे रणनीति तय करेंगे आगे की सभी जिलों से। ऐसा कोई जिला नहीं है जिससे बसें भर भर के नहीं आई हैं, और अभी कुछ रास्ते में कम से कम 5000 से ऊपर युवा साथियों का यहाँ पे जमावड़ा है, अब आप देख सकते हैं कम से कम 3-3.5 हज़ार तो हो गए, और अभी हमारा जो समय दिया हुआ था वो तो अभी पूरा नहीं हुआ, समय तक पूरी जो गाड़ी आ जाएंगी 6-7 हज़ार के समथिंग युवाओं का आज इकट्ठा होने का है, और हम लोग प्रयास करेंगे सरकार को और मजबूती से घेरेंगे। सरकार को देख लेना चाहिए कितना इनमें आक्रोश है, अगर इस आक्रोश को देख के भी सरकार को अगर नहीं समझ में आ रही है तो देख लीजिएगा अब आगे चुनाव में क्या असर होने वाला है। तो हमारे साथ में अभी मौजूद थे भरत बेनीवाल, जिनके नेतृत्व में आज ये आंदोलन चल रहा है, इनकी प्रमुख मांग है कि सीएचओ को नियमित किया जाए, इसके अलावा 18,900 रुपये जो इनको वेतन मिल रहा है उसको बढ़ा के 25,000 किया जाए, इसके अलावा इंसेंटिव जो है उसको भी परमानेंट बढ़ा उसको मर्ज किया जाए, और इनकी जो सैलरी है वो 40,000 के आसपास आ रही है उसको लागू किया जाए। इनकी मांग है कि इसको हरियाणा की तर्ज पर परमानेंट किया जाए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें मिलके एक गाइडलाइन घोषित करे जिससे इनका जो वेतनमान है और वो 4800 ग्रेड पे का रहे। सहयोगी कैमरामैन अजय कुमार के साथ अंकुर शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।